चिल्ड्रन लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 42 स्पाइस अप योर लाइफ। तो यहाँ हमें कुछ स्पाइसेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लेट्स सी कौन कौन से स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस आर मेड फ्रॉम एरोमेटिक सीड्स। तो स्पाइसेस किससे बनते हैं, ये खुशबूदार बीजों से बनते हैं। बाग से बन सकते हैं, फ्लावर से बन सकते हैं और इवन रूट्स ऑफ द प्लांट से भी बन सकते हैं, जिनको हम ड्राई करते हैं और फिर क्रश आउट कर लेते हैं। हर्ब्स आर प्लांट्स विद लीव्स फ्लावर्स एंड सीड्स दैट आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग और गार्निशिंग। तो हर्ब्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप पुदीना सुखा लेते हो और उसको आप अपने कर्ड पे डाल के खाते हो, है ना, अच्छा लगता है ना। सो ये क्या है, दे आर द हर्ब्स। ग्रीन कार्डमम, ग्रीन कार्डमम मतलब हरी इलायची, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस। तो ये बहुत महंगा स्पाइस होता है। इट इज बेस्ट स्टोर्ड इन पॉट्स एज एक्सपोज्ड और ग्राउंड सीड्स क्विकली लूज देयर फ्लेवर। तो ये अपने पॉट के अंदर सीड्स को एनक्लोज करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमने वो सीड्स को खोल दिया तो उनका जो एरोमा है वो सब एस्केप आउट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलायची इन हिंदी। क्लोव्स, क्लोव्स को हम और क्या बोलते हैं, लौंग। क्लोव्स को हम बोलते हैं लौंग इन हिंदी। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट इंडियन नॉन वेजिटेरियन डिशेज। तो ज़्यादातर क्लोव्स हम नॉन वेजिटेरियन डिशेज में डालते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू गिव अरोमा एंड फ्लेवर टू हॉट बेवरेजेस। तो कभी कभी जब हमारा दिल करता है कि अच्छा सा सूप पिए, तो सूप में भी हम थोड़ा सा क्लोव डाल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज पेपरकॉर्न्स। तो पेपरकॉर्न्स क्या होते हैं, काली मिर्ची। ब्लैक पेपर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड स्पाइस। तो ये सबसे ज्यादा ऐसा स्पाइस है जो सबसे ज्यादा जिसकी ट्रेड होती है। इट इज कॉल्ड काली मिर्च और गोल मिर्च इन हिंदी। एसाफोटिडा और हींग एज इट इज नोन इन हिंदी इज अ ड्राइड लैटेक्स। तो ये प्लांट में से निकलने वाला एक लैटेक्स है जिसको हम ड्राई कर लेते हैं। विद अ पंजेंट स्मेल यूज्ड इन कुकिंग दाल एंड सांबर। और दाल और सांबर में अगर आप थोड़ी सी हींग डाल देते हो तो उनका अरोमा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सिनेमम, सिनेमम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ ट्री नेटिव टू श्रीलंका एंड इज कॉल्ड दालचीनी इन हिंदी। तो सिनेमम एक क्या है, ये एक बार्क ऑफ ट्री से ऑब्टेन्ड होता है और इसे हिंदी में हम दालचीनी बोलते हैं। क्यूमिन सीड्स आर यूज इन बोथ होल एंड ग्राउंड फॉर्म। तो क्यूमिन सीड्स क्या होती हैं, जीरा। जीरे को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जीरे को आप ग्राउंड कर सकते हो, आप पीस के यूज़ कर सकते हो, या इसको आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नोन एज जीरा इन हिंदी एंड इट इज़ बिलीव टू हेल्प इन डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 43 आइडेंटिफाई दीज क्रीचर्स। तो यहाँ हमें कुछ एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, हमें उनको उनकी पिक्चर से मैच करना है। These are the pictures of some creatures. Read the clues. Write the correct clue number in each circle. See the first one. Each of its body part is adapted for speed. Its heart, lungs and liver are extra large to cope with animals' need for maximum air intake and energy. So, iska answer hai cheetah. To cheetah mein aap kya likhoge, number 1. See the second one. It is the largest meat-eating animal that lives on land. Its thick and waterproof coat keeps it warm and enables it to swim for hours in freezing Arctic sea. तो ये आर्कटिक रीजन में रहते हैं, बहुत ठंडे जोन में रहते हैं। It can swim more than 100 kilometer after a little rest. So इसका आंसर है पोलर बियर। सो पोलर बियर में आप 2 नंबर लिखेंगे।